जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को विकास खंड बड़हरगंज के चैनपुर, बेलसड़ी, आनंदमगढ़, महुआपार, सहसोडाड हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया तथा गांव में किए जा रहे सैनिटाइजेशन एवं स्वास्थ्य जांच संबंधित जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी गोला एवं बासगांव को निर्देशित किया कि गांव के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा गांव में ही लोगों को राशन, सब्जी आदि उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बड़हलगंज के थानेदार को कोरोना के सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क, सैनिटाइज और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इधर से कोई रास्ता तो नहीं है? कितने दिन यहाँ रुके थे? कब आए थे? मुंबई से आए थे? कब आए? 19 तारीख को। देखिए, आप कोरोना हॉटस्पॉट में है, किसी का घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने अपने घर पे जाइए। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, 14 दिन अपने अपने घर पे रहिए। यहाँ आपके गांव में 9 लोगों का कोरोना हो गया है। आप सावधान रहिए, आप घर का अंदर ही रहिए, घर से बाहर मत निकलना है कभी। यदि घर पे बाहर घूमने के लिए मन लगता है तो आइए, तो फिर जेल में बैठा देंगे, कोई ऑप्शन नहीं। इतने लोग क्यों बैठे हैं भाई, अपने अपने घर पे जाइए। लोग बाहर निकलने के लिए बैठे हैं साहब, वो लोग कह रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे, क्यों जगह जगह बंद हो गया है और क्यों? अरे दिन घर से अंदर ही रहिए, गांव से जो बाहर निकलेगा उसे पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। 21 दिन किसको घर से बाहर नहीं निकलना है? कोई घर से बाहर आएंगे तो फिर जेल में जाएंगे आप लोग। आपके गांव में 2 लोग मर गए हैं और बहुत लोगों का फैला हुआ है, जांचें चल रही है, आपको सभी के जांच करेंगे। आप ये आपका झूठा जानवर खाएगा, दूसरे यहाँ जाकर के देगा, वायरस फैलेगा। होगा फिर से घर में जाइए, पहले जिंदा रहिए, फिर बाद में नेतागिरी कर सकते हैं, लाठी पड़ेगी फिर। आपके घर के बगल में कैलाशी मरा है, दिमाग खराब हो गया आप लोग का? रिपोर्ट किसको चाहिए वो मिल जाएगी, रिपोर्ट एक दो रिपोर्ट मिल जाएगी।